subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है वो ट्विस्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, जैसे कि हाल फिलहाल के एपिसोड के अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे जैसे ही नायरा को पता चला है कि कार्तिक गोइंग का दूसरी शादी कर रहा है, मानो उसका तो दिल ही टूट गया है और नायरा ने फैसला लिया है कि वो गोइंग का हाउस वापस नहीं जाएगी। लेकिन जब कायरव दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि मम्मा जल्दी करो, हमें पापा से मिलने जाना है, उस बात को सुनकर नायरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे लगता है कि वो कैसी दुविधा में फंस गई है, वो कार्तिक के पास जाए या फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाए। तो आपको बताएं कि आने वाली कहानी नायरा की जिंदगी में खुशियां लेकर आने वाली है और ये सब कुछ होगा दादी की वजह से। दरअसल जब कार्तिक दादी से बातें कर रहा था बेरुचि की हालत में, तब दादी ने सब कुछ सुन लिया था। यानी कि दादी ये जानती है कि कार्तिक ये शादी मजबूरी के चलते कर रहा है और अपने पोते को इतना बड़ा कदम दादी उठाने नहीं देगी। यानी कि जल्द ही शो के अंदर नायरा की एंट्री के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि दादी और वेदिका दोनों ऐसा प्लान बनाने वाले हैं जिससे कि नायरा तो वापस आ ही जाए और साथ ही कार्तिक की जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियां आ जाए। यानी कि दादी और वेदिका दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाएंगी। अब आगे देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि दादी और वेदिका का ये प्लान क्या सक्सेसफुल होगा, क्या कार्तिक और नायरा के दिल एक बार फिर से मिल जाएंगे या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट। पर जो भी होगा आने वाले एपिसोड में इस बात की जानकारी लेकर लौटेंगे आपके पास। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज निजम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।